नमस्कार नमस्कार दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं कृष्टि सैकिया केंद्र विद्यालय आईआईटी गुवाहाटी की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और समस्त असमवासियों की ओर से आपको प्रणाम। सर, नई पीढ़ी की एक बच्चे के तौर पर हम अपने पेरेंट्स और अपने बीच की जनरेशन गैप को हमेशा कम करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर सर, हम ये किस प्रकार कर सकते हैं, कृपया अपने मार्गदर्शन दीजिए। मुझे पेरेंट्स से इस विषय पर बात करनी है। एक बात जो पेरेंट्स को डिसाइड करनी है, क्या वो बुढ़ापे की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपनी उम्र कम करना चाहते हैं। और आप भी बेटा अपने मम्मी पापा को जरूर ये सवाल पूछना। अगर पेरेंट्स बुढ़ापे की तरफ जाना चाहते हैं तो बेशक अपने बच्चों के साथ डिस्टेंस बना लें, गैप बढ़ाते रहें। अगर आपको नवजीवन की ओर आगे बढ़ना है, अपनी उम्र घटानी है, युवा बने रहना है, तो आप अपने बच्चों के साथ गैप कम कीजिए, क्लोजनेस बढ़ाइए, ये आपके फायदे वाला है। आप याद करिए, जब आपका बच्चा 1 साल की उम्र का था तो आप उसके साथ कैसे बातें करते थे, तब आप उसे हंसाने के लिए कैसी कैसी आवाजें निकालते थे, आप अपने चेहरे के भांति भांति के एक्सप्रेशन बनाकर कैसे उससे बात करते थे। ऐसा करते हुए क्या कभी आपने सोचा कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कभी आपने सोचा कि लोग आपको ऐसा करते हुए देखेंगे तो ये कहेंगे ये कैसे चेहरे बना रहा है, कैसी आवाज निकाल रहा है? क्या कभी उस समय आपने ये सोचा कि आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा? आपको उस समय आनंद आया इसलिए आपने ये किया, आपने किसी की परवाह नहीं की। यानी आप सब कुछ छोड़कर खुद एक बच्चे बन गए। बच्चे से खेलने के लिए आप खुद खिलौना बन गए और बच्चे के खिलौनों से भी उतना ही चाव से खेले। आप याद करिए, कभी आप घोड़ा बने होंगे, कभी बच्चे को पीठ पर बिठाकर चले होंगे, कभी कंधे पर बिठाकर घर भर घूमे होंगे, कभी 4 पैर करके चले होंगे, बच्चा रोया होगा तो उसे चुप कराने के लिए आप भी झुटमुट कर रोए होंगे। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देखने वाला क्या कहेगा, घर के बाकी लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, कुछ नहीं सोचा। क्या कभी सोचा था? आप उसका आनंद लेते हैं और ऐसा बच्चे के 5-6 साल की उम्र तक चलता रहता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो एक लेवल पर मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि माँ बाप बच्चे को डोमिनेट करना चाहते हैं, बच्चे को हर चीज सिखाना चाहते हैं। अचानक जो दोस्त थे वो दोस्त न रहकर बच्चे के इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और कभी कभी इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं। साथियों, बच्चा जब बाहर की दुनिया में पैर रखता है तो बहुत सी बातें ऑब्जर्व करता है। घर में जो देखा था उससे कुछ ज्यादा, कुछ अलग, कुछ नया वो देखने लगता है। उस समय आपकी ये जागरूक जिम्मेदारी है कि उस नए वातावरण में आपका बच्चा और अधिक फले फूले। और इसका उत्तम तरीका है कि आप उसके मन से जुड़े, उसके मन से ही करें और
उसकी हर बात को इमोशनली अटैच होकर के सुने। ऐसे नहीं फोन कर रहे हैं और वो बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके साथ जुड़िए। आपको जो पसंद नहीं, अगर वो काम आपका बच्चा करके आया है तो उसे डांटिए मत, टोकिए मत, बस सुनते रहिए। सुनते समय उसको लगना चाहिए कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं है उसको मन में रजिस्टर करके रखिए। और ये ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए करना बहुत जरूरी होता है। आप जितना हो सके उसकी बात सुनिए, उसकी बात समझिए। आप इंस्ट्रक्टर बनकर उसे सुबह से शाम तक क्या करना है ये मत समझाइए। बार बार ये मत पूछिए कि मैंने ये कहा था, क्या क्या किया। बस अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, उस पर ध्यान रखिए। उसमें सुधार से जुड़ी जो बातें आपने रजिस्टर की हैं, जो आपको ठीक नहीं लगा उसे ठीक करने के लिए बहुत विचार करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, ताकि उसे खुद ही लगे कि वो कहाँ गलत कर रहा है। जब माँ बाप बच्चों के साथ हम उम्र बनकर ही जुड़ते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है। जैसे बच्चा कोई नया गाना सुन रहा है, कोई नया म्यूजिक सुनकर आनंद ले रहा है, तो आप भी उसके साथ उस आनंद में शामिल होने की कोशिश करिए। आप उसको मत कहो कि 30 साल पहले हमारे जमाने में तो वो गाना था, हम वो बजाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो। वो जो गाना उसको पसंद है आप उससे जुड़िए, आनंद लीजिए ना। ये समझने की कोशिश तो करिए कि आखिर ऐसा क्या है उस गाने में कि आपका बच्चा उसे पसंद कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं ठीक इसी समय कुछ माता पिता ये कहने लगते हैं कि ये क्या बेकार का गाना सुन रहे हो, असली म्यूजिक तो हमारे समय में होता था, अब तो जो बनता है वो सिर्फ शोर शराबा होता है। होता क्या है कि बच्चा आप पर आकर के आपको कोई बात बताता है, वो बताता है कि आज स्कूल में हमने ये किया, तो कहीं आप अपनी ही कहानी लेकर तो नहीं बैठ जाते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही, क्या है, क्या नई चीज है, ये तो वैसा ही है। अपने बच्चे के साथ उसकी जनरेशन की बातों में उतनी ही दिलचस्पी दिखाइएगा, आप उसके आनंद में शामिल होंगे तो आप देखिएगा जनरेशन गैप कैसे खत्म हो जाती है। और शायद जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो उसके समझ में भी आ जाए। और इसलिए जनरेशन गैप को कम करने के लिए बच्चों और बड़ों को एक दूसरे को समझना होगा, खुले मन से गपशप करनी होगी, खुलकर बातें करनी होगी, समझना होगा, सुनना होगा, और फिर आपको बदलने की तैयारी भी रखनी होगी।